उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गोमती उद्गम स्थल से लगे गन्ने के खेत में एक 7 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। मासूम का शव मिलने की सूचना मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वही सूचना मिलने पर पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची गांव के एक मंदिर में अपने पिता के साथ रामायण की पूजा करवाने के लिए गई थी। बच्ची के पिता का ध्यान जैसे ही अपनी बच्ची से हटा तो बच्ची मंदिर से गायब हो गई। बाद में बच्ची का शव मिला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल पूरा मामला पीलीभीत के प्रसिद्ध गोमती उद्गम स्थल का है, जहां आज एक जघन्य अपराध हुआ है। माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बने गोमती उद्गम स्थल मंदिर के परिसर से सटे एक गन्ने के खेत में 7 साल की मासूम का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि परिजनों के साथ मंदिर पर रामायण में सम्मिलित होने आई 7 साल की मासूम देर रात से गायब थी, जिसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी। पुलिस और परिजन लगातार मासूम की तलाश कर रहे थे, तभी आज सुबह मासूम का शव मंदिर परिसर से सटे गन्ने के खेत में बरामद हुआ। मासूम के कपड़े भी छिन्न भिन्न अवस्था में थे, जिससे रेप की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल मामले की सूचना मिलने पर पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। वहीं माधोटांडा थाना पुलिस ने मासूम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोती के साथ हमारी फोन खेलती, पता ना किन्ने पकड़ ली। हम रात भर हेरते हुए ना मिली, गन्ना छानो बीनो ना मिली, और अब सुबह मिली मरी भई, गर्दन मेटी भई, पता ना किन्ने मारो का करो। क्या करने आए थे यहाँ पे? आए रामायण हो रही, रामायण हो रही और आरती पूजा कराई बच्ची, प्रसाद खाओ, जनरेटर बंद हुई गो तो उसको पिता जनरेटर चालू करन लगो, तो लड़की अपने पिता के साथ भगी तो बहुन बठड़ी होने पर से लड़की गायब भई। कितने साल की बच्ची है? 7 साल की, 7 साल से ऊपर है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।